दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि फेक एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं या फेक चीज़ें करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है। और पर्सनली मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कि आप फेक एक्सपीरियंस बनवाओ या कैसे कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, बिकॉज इलीगल होता है। कभी आप पकड़ेगा तो कंपनी आपके ऊपर एक्शन लेगी या हो सकता है मे बी आपको टर्मिनेट कर दे, अब्सकॉन्डिंग दे दे। बट यहीं पे एक पॉइंट होता है कि जब कोई मानता ही नहीं है, करता वो बनवाती बनवाते हैं, तो क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको कवर कैसे करना है, आप उसको कवर कैसे कर सकते हो, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, कई बार लोग मजबूरी में एक्सपीरियंस बनवाते हैं कि उनका 1 साल 2 साल 3 साल का गैप हो गया एंड फिर कंपनीज जॉब नहीं दे रही होती हैं, तो उस केस में भी लोग एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं कहीं इधर उधर से। या कई बार लोग दूसरी प्रोफाइल में काम कर रहे होते हैं, लाइक कॉल सेंटर या बैकएंड की प्रोफाइल में, एंड फिर वो आईटी का एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं या दूसरी प्रोफाइल्स का एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कैंडिडेट ये करते हैं। जो इनिशियल 1 साल या 1.5 साल होता है वो आपका एक लर्निंग फेज होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हो, आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का नॉलेज होता है, आप बेसिक चीज़ें में पकड़ बनाते हो, वो चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो 1 से 2 साल का मैनेज करना वो थोड़ा सा ईजी होता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर एक्सपीरियंस बनवा रहे हो या बना हुआ है, बट अगेन आई विल नॉट रिकमेंड दैट आप कहीं से एक्सपीरियंस बनवाओ, दिस इज़ द इलीगल पॉइंट। बट स्टिल, अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप 1 साल 2 साल का मैक्सिमम बनवा सकते हो एंड उस लेवल की आप प्रिपरेशन कर लो, उस लेवल की आप तैयारी कर लो कि आपको इतना पता होना चाहिए कि 2 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कितना नॉलेज होता है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल नहीं, देखो थ्योरेटिकल नॉलेज तो सिर्फ फ्रेशर को होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही, तो उतना नॉलेज आपको होना चाहिए, वो आप उतना कवर कर सकते हो, ईजिली हो जाता है। क्योंकि कई बार कंपनीज में क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा के वहाँ पे चले जाते हो और फिर अंदर आप जब काम नहीं कर पाते हो तो कंपनी आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको टर्मिनेट कर देती है। तो जब आपको इतनी मुश्किल से एक जॉब मिल रहा है तो फिर आप कोशिश करो कि अच्छे से प्रैक्टिकली उतना सीख लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता तो भाई उडेमी पे चले जाओ, कोर्सेरा पे चले जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट पढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के अप्रॉक्स में आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकली आप वहाँ से सीख सकते हो। तो बस दोस्तों, अगर बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी कमेंट या क्वेरी है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो, मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने एक वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।